जेकेसीएम सीमेंट फैक्ट्री की लापरवाही एवं सेफ्टी उपकरण यूज न करने के कारण एक और हेल्पर की दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक के साथ कार्य कर रहे हेल्पर ने बताया कि फैक्ट्री के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में कार्य चल रहा था एवं अलमारी उतारने के दौरान हेल्पर के ऊपर अलमारी गिर जाने के कारण युवक को गंभीर चोटें आई थी एवं इलाज के दौरान पन्ना चिकित्सालय में मौत हो गई। मृतक राजपाल सिंह तोमर के परिवारजनों ने जेकेसीएम सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के कारण हमारे परिजन की जान गई है। पन्ना जिला चिकित्सालय में जेके सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत हेल्पर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का शव जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूप में रखा हुआ है। मृतक राजपाल सिंह के मामा ने बताया कि अपने परिवार में इकलौता कमाने खाने वाला एवं उसके पिता शंकर सिंह तोमर का पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर हाल बेहाल हो गया है। फैक्ट्री में हाउसकीपिंग का काम चल रहा था, इस दौरान पिकअप वैन से अलमारी उतारने का कार्य हेल्पर द्वारा किया जा रहा था। अलमारी उतारने के दौरान पिकअप आगे बढ़ने से अलमारी बिल्डिंग की बीम से टकराने के कारण मृतक को गंभीर चोटें आई थी।